अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकील अख्तर और हाज़िर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आप सबको याद होगा कि एक मंथ पहले मैंने आपको एक फिल्म की शूटिंग की स्टार्ट होने की न्यूज़ दी थी और आज उसी फिल्म की अपडेट में लेकर आपके सामने हाज़िर हूं। दोस्तों ब्लैक रोज़ मूवी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और आज ब्लैक रोज़ का फर्स्ट लुक आ चुका है। जी हाँ, ब्लैक रोज़ फिल्म जो कि बशीर रौटेला जी उसमें स्टारिंग थी और उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मोहन भारद्वाज और इसके क्रिएटर थे संपथ नंदी जी। दोस्तों ये फिल्म हिंदी और तेलुगु दो लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का फर्स्ट लुक आ चुका है, फर्स्ट लुक आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। जल्द ही इस फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो जाएगा, तकरीबन 10-5 दिनों में हफ्ते तक इसका ट्रेलर भी आ जाएगा, उसके बारे में भी हम रिव्यू लेकर आएंगे इसी चैनल पे। तो दोस्तों इस फिल्म, चूँकि ये फिल्म थोड़ी थ्रिल टाइप है, इसलिए काफ़ी कुछ एक्साइटिंग हमें इसमें देखने को मिलेगा। और इस फिल्म में आपको थोड़ी सी जो अनोखी बात वो ये देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकी फिल्मों में हीरो होता है और इस फिल्म में मेन लीड जो रोल है वो सिर्फ एक हीरोइन ही है। जैसे बहुत सारी फिल्में आपने पहले भी ऐसी देखी होंगी जिसमें सिर्फ हीरोइन का ही लीड रोल था, और वैसा ही कुछ है, बाकी सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें लीडिंग रोल मिस यूनिवर्स उर्वशी रौटेला जी कर रही हैं। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस ट्रेलर के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।